प्रदेशवासियों को अभी मौसम से राहत मिलने की संभावना नहीं है। अगले 48 घंटों में प्रदेश भर में मौसम खराब बना रहेगा। तापमान भी सामान्य से कम रहेगा। मई महीने में पश्चिमी विक्षोभ अधिक असरदार होने के कारण प्रदेश भर में वर्षा का दौर जारी रहा, जिसके कारण तापमान में भी कमी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 20 जून के बाद प्रदेश में मॉनसून दस्तक दे सकता है। देखिए, अभी अगले 48 आवर्स में बीच बीच में हल्की बारिश होने की संभावना है कुछ एरियाज में। बाकी ऐसे कंटिन्यूस रेन और वाइड स्प्रेड रेन की संभावना नहीं है। टेम्परेचर जो है वो सामान्य से कुछ कम है मैक्सिमम टेम्परेचर, और जो न्यूनतम तापमान है उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। और फिर से मौसम ठीक रहेगा। आने वाले करीब करीब एक वीक की हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश और इस तरह का खराब मौसम की संभावना कम है। देखिए, मई में सबसे ज़्यादा बारिश इस साल हुई है, पिछले करीब 20 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है और उसी से हुआ है सारा। लेकिन मेन जो वजह है उसकी, पश्चिम विक्षोभ बड़े फ्रिक्वेंट और काफ़ी ज़्यादा है इस साल, जिससे टेम्परेचर में बढ़ोतरी नहीं हुई और बारिशें वह काफ़ी कंटिन्यूस रहीं। उससे डेफिनेटली जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम अभी भी रह रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो मुख्य वजह इसकी ये है कि पश्चिम विक्षोभ बहुत फ्रिक्वेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग। देखिए, मॉनसून का जो भी लेटेस्ट है वो केरला कोस्ट पे अगले 48 घंटे में आने की संभावना है। उसके बाद फिर जैसे ही केरला कोस्ट पे मॉनसून आता है, उसके बाद फर्दर जो उसका मूवमेंट रहेगा नॉर्थवर्ड, वो मॉनिटर करेंगे। और उसके बाद जब सेंट्रल इंडिया के आसपास मॉनसून आता है तो उस वक्त थोड़ा इंडिकेशन मिलता है कि कब मॉनसून हिमाचल प्रदेश में आएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डेट की, तो नॉर्मल डेट करीब करीब 22 से 25 जून जो है हिमाचल प्रदेश में मानसून आने की है। अभी तक का जो इंडिकेशंस है मानसून का, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो कि एक 5-6 स्टेट्स का काफ़ी बड़ा एरिया, उसमें हिमाचल भी शामिल है, सामान्य से कम बरसात की संभावना है। अभी अपडेट फिर आएगा हमारा मई में या जून एंड में, उसमें और क्लियर होगा कि अगस्त और सितंबर में मॉनसून कैसा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।